An electric bulb has a power of 500 watt. In CGS units, it is how much? कितनी है? CGS unit में क्या होगा? Watt means joule per second. ठीक है? तो इसको अगर convert कर लें तो कितना हो गया? 500 watt. 1 watt is 1 joule per second. ठीक है? अब जाउल कितना होता है? 10^7 अर्ब. सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, है ना? सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा. तो ये कितना हो गया? 500 × 10^7, 5 × 10^9 अर्ब पर सेकंड, मतलब सीजीएस यूनिट हो गया. तो आंसर इज बी पार्ट, 5 × 10^9. सेकंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46, 2.49, 2.50 एंड 2.48 मीटर. फाइव ऑब्जर्वेशंस आर देयर. परसेंटेज एरर इन इट्स मेजरमेंट इज. अब पूरा आपको एंड तक जाना पड़ेगा. ये x1, x2, x3, x4, x5 हो गए. पहले x बार निकाल लोगे, इन सभी का मीन कितना आया? मीन नहीं 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 2 पॉइंट कुछ होगा ना. वो आंसर तो 0.4% ही है. x1, x2, x3 ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एक्स बार, सभी का मीन लेके ये पूछ रही हूँ कितना आता है. ये ठीक है, सपोज 2.48 आ रहा है. आफ्टर दैट आपको डेल्टाज निकालने हैं नीचे मेजरमेंट. डेल्टाज जिस मीन में से सबको इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करोगे वो डेल्टा एब्सोल्यूट एरर्स आ गए नीच मेजरमेंट. देन आपने डेल्टा एक्स बार निकालना था, इफ यू रिमेम्बर, सभी के पॉजिटिव वैल्यू लेकर डिवाइडेड बाय 5, पॉजिटिव वैल्यू लेकर. रिमेम्बर दिस. आफ्टर दैट आपने करना था डेल्टा एक्स बार ओवर एक्स बार इनटू 100. This would have given you percentage error. B is the answer, 0.4%. So the answer is 0.4%. ठीक है. Third है. Yes, Samriddhi. M 0.40% नहीं होना चाहिए. 0.40 क्यों होगा? मैम बिकॉज क्वेश्चन में 2.48 तक वो सिग्निफिकेंट फिगर है. ये कितना है? डेल्टा एक्स बार कितना आ रहा है ये बताओ. बताओ मैम 0.01 आ रहा था शायद से. 0.01 ले लो चलो. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? 0.01 सपोज ये 2.48 है इनटू 100. अब आपने इन दोनों का डिवाइड किया, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी ना आंसर में, तो इसमें तो 1 नहीं है ना, तो आपके आंसर में 1 होगी. अगर आप 0.40 लिख देते हो तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी तो गलत हो जाएगा. तो ये आंसर वुड बी 0.4%. 0.40 से 2 हो जाएंगी, आपको तो 1 चाहिए ना. फॉलो द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. गॉट इट नाउ समृद्धि? ओके मैम. ओके. थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फोर्स इक्वल टू दिस डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्स एंड वाई इज. वाई का तो देखो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वही है एफ वाला, m1 l1 t-2. और जो एक्स है उसकी डायमेंशन आपको निकालनी पड़ेगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. अगर आप हर टर्म की डायमेंशन को इक्वेट करते हो तो आपका आंसर आता है बी पार्ट, m2 l-2 t-2 and m1 l1 t-1. जिसका नहीं हुआ मुझे बता दो, मैं अभी कर देती हूँ.
किसका नहीं हुआ, यू कैन रेज हैंड। हो गया था आपका मंदिर? यस, किसका नहीं हुआ टेल मी सो दैट आई कैन डू इट हेयर ऑन द बोर्ड। चलिए फोर्थ, द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर सेम डायमेंशन आर, कौन सा पेयर है, कौन बताएगा आंसर? हैंड रेज करते जाओ जल्दी से। विच आंसर? बस समृद्धि को पता है और किसी को नहीं पता। मन्नत सेड ए, इज शी राइट? यस ए, दिस इज ए। रेनॉल्ड नंबर इज आल्सो डायमेंशनलेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो डायमेंशनलेस, प्लैंक्स कांस्टेंट और टॉर्क की नहीं है सेम, एवोगैड्रो नंबर और रेजिस्टिविटी की भी सेम नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमेंशनलेस है, पर जो रिलेटिव वेलोसिटी डायमेंशनलेस नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था लास्ट पार्ट, बट द आंसर इज ए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, 1 degree इज हाउ मेनी रेडियन? पाई बाय 180 को पॉइंट्स में लिखा हुआ है। 1 degree इज पाई बाय 180 रेडियन, पॉइंट्स में आ गया 1.745 into 10 raised to minus 2, so that is B part. Sixth question, displacement is given, what is the possible acceleration of the particle when the particle is in a state of rest? Acceleration कितनी है जब particle is in a state of rest? क्या आंसर आया आपको? A है इसका आंसर, 1 meter per second square. तो पहले तो double differentiate करके acceleration निकाल लो, फिर देखते हैं क्या आता है। पहले तो ये है कि when particle is in a state of rest, कितने time पे है वो निकाल लो, कब पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब कब इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है वो निकाल लेती हूं। तो एक्स इज ठीक है, तो एक्स आपका जब जीरो है तो टाइम कितना है वो कैसे निकालोगे? चलो पहले देखते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी इज and acceleration is this, ठीक है? So what is the possible acceleration when the particle is in a state of rest? अब इसका क्या मतलब है, किस इंस्टेंट पे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में? हाँ जी समृद्धि, आपका आंसर कैसे आया बताइए। मैंने पहले x डिफरेंशिएट करके जब v निकाला था तो v को जीरो पुट करके वहां से टाइम t निकाल लिया, t को एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जीरो करनी है हमें, है ना? यस मैम। तो वेलोसिटी जीरो करोगे आप, यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, टाइम की पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे, वो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी 1। Then seventh question, what is the angle between A and B vectors? Angle between two vectors is A dot B over AB. तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, अगर सेम ही है वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 square plus 5 square अंडर रूट। अंडर रूट 50 हो गया ना, अंडर रूट 40 क्या होता है, 7 ना, अंडर रूट 49 7 होता है ना, तो ये तो 7 point कुछ आएगा जितना भी आया, या आप इसको 2 into
7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, अंडर 50 ले लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 × 5 माइनस माइनस प्लस 5 × 5 50/50 1। तो cos थीटा 1 कब होता है? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज 0 डिग्री, सी पार्ट इज द आंसर। टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम, एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच? बताओ। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। R is equal to under the root a square plus b square plus 2ab cos theta, और इनका रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल है। जस्ट सॉल्व दिस, स्क्वायर बोथ साइड्स। When is cos theta minus 1/2? When theta is 120 degree. For obtuse angles, cos is negative. So, आपका आंसर है डी पार्ट, 120 degree. 9. Centripetal acceleration is also called radial acceleration because it acts towards the center along the radius. हमने प्रूव किया था इसके डेरिवेशन में। 10th. Commutative property of vector addition is वेक्टर ए प्लस बी इज वेक्टर बी प्लस ए, बी पार्ट। पहली जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो जरूर है, बट वो प्रोडक्ट की है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। 11th, अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विद वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? वही उतनी ही वेलोसिटी है, बट एक पॉजिटिव है, अनदर इज नेगेटिव। सो mv माइनस माइनस mv, दैट इज 2mv। A part, that is answer. आपको अगर कंफ्यूजन होती तो होती 2 MV और माइनस 2 MV में, कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है कि इनिशियल माइनस फाइनल करना, तो माइनस 2 MV वाली थी ही नहीं उसमें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी यहाँ पे। आपका आंसर डायरेक्ट था 2 MV। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन याद होंगे, it does not depend upon area of contact, it depends on nature of surfaces, it depends on weight. पहला law जो था, it is directly proportional to weight of the object, मतलब normal reaction के directly proportional है। तो C part था इसका answer, weight के directly proportional है। 13th is relation between coefficient of friction and angle of friction is A part, mu is equal to tan theta. 14th, in case of trains, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कौन सी रेल? आउटर एज को रेज करते हैं ना, तो ऐसे ट्रेन ट्रैक्स में भी करते हैं, बाय रेजिंग द आउटर रेल। तो इसका आंसर था बी पार्ट, आउटर रेल। 15th, कंपोनेंट ए इन द डायग्राम, कल मैंने डायग्राम बनाया था, तो वो वाला कंपोनेंट जो रिजोल्व करके प्लेन के अलोंग आता है वो कौन सा? एमजी साइन थीटा, दैट इज एमजी साइन थीटा कॉम्पोनेंट। 16, E for perfectly elastic collision is 1, B part 1. 17, dash is a conservative force. A और D दोनों ही आंसर थे इसके, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। 18, if momentum of a body is increased by 50%, percentage change in kinetic energy is 125%. Yes, Japan Jo, क्या हुआ? मैम, मैम 15 क्वेश्चन में mg sin थीटा आ रहा है, बट जो आंसर किया उसमें r sin थीटा लिखा हुआ है। क्या क्या? मैम जो 15 क्वेश्चन है उसमें mg sin थीटा ही आंसर आ रहा है, बट जो आंसर किया उसमें r sin थीटा। नहीं नहीं, इसका आंसर d है, mg sin थीटा। ओके मैम। 18th है b पार्ट, 125%। 19th, identify the type of collision जिसमें बॉल बाउंस करके कम होती जाती है, ऐसे ऐसे नॉर्मली जो केस होता है हमारा,
तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है ना, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है ना ये परफेक्टली इलास्टिक है, दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज टेकिंग प्लेस। तो इसका आंसर था बी पार्ट। 20th क्वेश्चन, अ न्यूट्रॉन मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद अ स्टेशनरी न्यूट्रॉन, और आपको पता होगा कि ये इलास्टिक कोलिजन होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन के साथ जब कोलिजन होती है ये उससे स्लो डाउन होता है। हमने इसका एक केस किया था कि मॉडरेटर कैसे एक्सचेंज करता है स्पीड को, क्योंकि इनके मासेस सेम होते हैं और वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब कोलाइड करते हैं तो इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। तो फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस ऑफ न्यूट्रॉन इन द कोलिजन इज हाउ मच, तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ न्यूट्रॉन की एनर्जी कैसे निकाल लें? आ गया था आपका आंसर एक बार नहीं गया? अच्छा एट ही है। हाँ जी, किसी का सॉल्व हुआ ये वाला 8/9? किसी का आंसर करेक्ट है बी बार, लॉस ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, किसी का नहीं हुआ, देखो किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। बुक्स में से भी प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की। दो एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, ये U1 स्पीड से जा रहा है टुवर्ड्स अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन जिसका मास सेम ही है। हम एज्यूम करते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। तो क्या होगा आफ्टर द कोलिजन? न्यूट्रॉन विल कम टू रेस्ट एंड न्यूट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। ये उसकी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इन्होंने कहीं ये इंडिकेशन नहीं दी हुई कि मास दोनों का सेम है कि नहीं है, व्हाटएवर। चलो, अब किसी को याद है कि फॉर्मूला क्या था V2 का हमारा? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन याद है किसी को? यही था, चेक कर लो एक बारी। ठीक है, अब इसमें एक तो M1 M2 के इक्वल पुट कर दो और U2 को जीरो पुट कर दो, ये तो पूरा जीरो हो गया। 2M ओवर 2M ये कट गया आपका, V2 आ गया U1, वो तो हमने पहले लिख दिया। तो पहले इसकी एनर्जी कितनी थी न्यूट्रॉन की? पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ एम U1 स्क्वायर, और बाद में इसकी एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई, है ना। बाद में न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही हो गई ना, है ना। तो यहाँ पर वैसे कोई इंडिकेशन दी नहीं हुई कि इनका मास सेम है या कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, क्या चीज है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम इसको परफेक्टली इलास्टिक लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर परफेक्टली इलास्टिक लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम परफेक्टली इलास्टिक लेके करेंगे तो ऐसे तो ये जीरो ही आ जाएगा, अभी तो लॉस जीरो ही आ रहा है ना। तो किसी ने चेक किया इसका आंसर क्या है नेट से? जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में चेक कर लेते थे, किया किसी ने चेक? नहीं किया? घर पे चेक कर लिया करो कि अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो क्या आएगा उसका। हाँ समृद्धि बताओ। इसका आंसर नेट पर 8/9 लिखा था। हाँ, तो देखा नहीं हमने सॉल्यूशन की कैसे किया हुआ है मैम? आप
आप करा रहे थे जैसे, मतलब जैसे करा रहे हो वैसे ही उन्होंने किया था, पर ज्यादा समझ नहीं आया। नहीं, उन्होंने पोलिशन इलास्टिक लिया कि इनइलास्टिक लिया? मैम इलास्टिक ली थी। इलास्टिक के लिए है ना? हाँ बस हाँ ठीक है, जी। फिर तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की पूछी है ना, न्यूट्रॉन की देखो स्पीड तो V1 है, हमने ये V2 की स्पीड निकाली है, तो न्यूट्रॉन की स्पीड है, न्यूट्रॉन की कितनी होगी? V1 निकालो, V1 हो जाएगी M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 U1 प्लस आगे U2 वाली टर्म, वो तो वैसे ही जीरो है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि आपको इनके मासेस का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो एक मिनट, इसमें आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन हम इनको सेम नहीं लेते, ऐसे करते हैं, ठीक है, ड्यूट्रॉन का मास जो है वो ट्वाइस है, ये नोट करो, यहाँ पे ये दिया हुआ है ड्यूट्रॉन का मास ट्वाइस है दैट ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आया, ड्यूट्रॉन का मास ट्वाइस दैट ऑफ न्यूट्रॉन है, ये पुट करो, मतलब कि M2 इज 2 ऑफ M1, बस यहां से आ जाएगा आपका। अब यहां पे पुट करिए 2 M1 M1 प्लस 2 M1, ये आपका आ गया 2/3, आपका V2 आ गया 2/3, 2/3 ऑफ V, 2/3 ऑफ U1, ये आ गया आपका V2। तो V1 कितना आया? V1 भी निकाल लो, M -2M1 कितना आ गया, ये माइनस साइन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपकी V1 भी आ गई, V1 आ गई 1/3, ठीक है, V1 कितनी आ गई आपकी 1/3। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन निकाल लो, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी है, 1/2 M V1 स्क्वायर, 1/2 M1 और V1 स्क्वायर आपका आ जाएगा U1 स्क्वायर बाय 9, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपके आ गए U1 स्क्वायर बाय 9। तो फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकलेगा? फ्रैक्शनल लॉस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल इनटू 100, परसेंटेज या फ्रैक्शनल लॉस ऐसे ही निकालते हैं ना। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, 1/2 M1 U1 स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल कितनी आई, 1/18 M1 U1 स्क्वायर ओवर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 M1 U1 स्क्वायर। अब ये निकाल लो कितना फ्रैक्शन आ गया, 8/9 है, 1/2 माइनस 1/18 इज 8/9, और M1 U1 स्क्वायर आपका ऊपर नीचे कैंसल आउट होगा, सो दिस इज 8/9। Assertion is on 21st question. Assertion: time of flight of projectile becomes n times the original value when speed is made n times. Time of flight का formula क्या होता है? T is equal to 2 u sin theta over g. तो अगर u को n कर n times कर दिया तो t भी n times हो जाएगा, ठीक है। Reason: range of projectile becomes n times when When speed is made n times, range कहां से आ गई है ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी रीजन जो है
वो वैलिड नहीं है, रेंज एंड टाइम्स नहीं होती, वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर स्पीड को एंड टाइम्स करेंगे तो रेंज एंड स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। तो आपका रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है, आंसर है सी। 22nd असर्शन, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया एंड लीनियर मोशन, ठीक है, करेक्ट है। रीजन, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ये भी ठीक है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर है ए। 23rd असर्शन, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड कांट बी अ वेक्टर, ये गलत है, हमारे पास नल वेक्टर होता है। रीजन, अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसलिए आपका आंसर है डी, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। 24th असर्शन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी जीरो, स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है जीरो, यस हो सकता है, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो ही होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट। रीजन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द स्केलर प्रोडक्ट विल बी जीरो, यस ये भी ठीक है, पर उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, असर्शन में उन्होंने परपेंडिकुलरिटी की कोई बात नहीं की, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट उसका रिलेशन नहीं है, तो आंसर है आपका बी। Then question number 25, assertion. Newton's third law is the real law of motion. Reason, first and second law are contained in third law. दोनों ही गलत है। एक तो Newton's second law होता है real law और दोनों उसमें contained नहीं होते, second law में contained होते हैं। तो आपका answer है E part, both are false. मैं आपको कह के गई थी कि E option भी लिख लो वहां पे assertion है, वो इसी question के करके कह के गई थी। इसको देख के कई बच्चों ने, सेट बी के बच्चों ने भी ई लिख दिया उसका आंसर, उनके जो सेट में 25th क्वेश्चन था उसका आंसर भी ई लिखा हुआ है कहीं, उन्हें अलग से सर्कल डाल के बच्चे, वो तो इस सेट की प्रॉब्लम थी, तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेट में ऐसे हो, है ना। 26th अ बॉडी इज इनिशियली एड्रेस्ड यू जीरो हो गया, इट अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, power delivered to it at time t is proportional to what b part t, it is directly proportional to first power of time. 27th horizontal range of projectile at 30 degrees 100 meter, if range is same what is the other angle of projection, simplest question tha 90 minus 30 60 degree b part, how many periods of radiation are there in 1 second, 1 second वगैरह की डेफिनेशन की है ना आपको, देखो अब आपको लर्न तो नहीं करना पर कम से कम पहचान तो लो ना, इतना तो होना चाहिए कि नंबर पहचान लो आप, तो बी पार्ट है, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ सीजियम-133 एटम, ये हमने डेफिनेशन की थी 1 second में, और यहाँ तो बस नंबर पहचानना था कि कौन सा था, तो बी पार्ट था, इट वाज 29 लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय बॉन, बॉन इज अ यूनिट ऑफ एरिया मेजरिंग न्यूक्लियर एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्डर 10^-28 मीटर स्क्वायर। 30th परसेंटेज एरर इन मेजरिंग MLTR 1, 1.5 and 3% रिस्पेक्टिवली, then percentage error in measuring physical quantity with dimensions, this is how much, देखो क्वांटिटी दी हुई है या फॉर्मूला दिया हुआ है, एक ही बात है, एक ही तरीके से करना है आपने। M1 L-1 T-1 इसको आप लिख सकते हो M1 L-1 T-1, तो ये सपोज कर लो x है, तो इसमें जो एरर होगा उसको आप कैसे लिखोगे, एरर इन एम प्लस एरर इन एल प्लस एरर इन टाइम, सिंपल यही इक्वेशन बनेगी ना, सबकी एक एक पावर है और कोई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ऑलवेज वी ऐड द एरर्स, ये तो आपको पता ही है ना। तो डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 दिया 1%, नेक्स्ट दिया 1.5 और नेक्स्ट दिया 3%, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5.5%।
तो आपका आंसर था डी पार्ट 5.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। इफ ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज 10, बी इज 2, ए डॉट बी इज 12। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा लगा के सॉल्व करके आपका आंसर आना ए पार्ट 16। 32, a stone tied to the end of a string is whirled in a circle. If the stone breaks, string breaks, the stone flies away tangentially. Its answer is C part tangentially. 33, tension in strings OA and OB are. वही Lamy's theorem लगेगी यहाँ पे. एक force over sine of angle between other vectors equal to दूसरा force over sine of angle between other two vectors like that. तो ए आपका पार्ट आना था, इसका आंसर 5 and 5√3 न्यूटन। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कल इज सी पार्ट √5 gr। फॉर अ कार नॉट टू टर्न सेफली ऑन अ कर्व्ड रोड, लो फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई टर्न नहीं कर रही है सेफली, इनमें से ऑप्शन है लो फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि स्पीड तो पहले ही स्लो है वो कह रहे हैं, तो फिर किसके कारण हो सकता है अगर फ्रिक्शन कम है। केस स्टडी 36 क्वेश्चन वर्क के ऊपर बेस्ड है। अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग रेजिस्टेंस, हाउ मच वर्क इज डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वो कैसे निकाला, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाता है 400 जूल। ये ना 9th लेवल का क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। 37, व्हाट इज द वर्क डन इन होल्डिंग 15 केजी सूटकेस while walking for 15 minutes, horizontal road pulley वाला वही केस हो गया, जीरो आ जाता है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बनता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। व्हेन द बॉडी मूव्स इन सर्कुलर मोशन, नॉट वर्क डन इज जीरो। नॉट तो चलो ऐसे ही है, वर्क डन कितना होता है सर्कुलर मोशन में भी क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बनता है, जीरो। Force of 4 newton is applied on a body of mass 20 kg. Work done in 3rd second is. ये बताओ कैसे किया? कैसे किया बताओ? Work done is force into displacement. कोई आइडिया कैसे आया 2 joule? इसका आंसर है A part 2 joule. कोई बताएगा? Yes, anyone? पहले एफ इजिकल टू एम ए कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन इज फोर्स ओवर मास, 4/20 1/5.2। एक्सेलरेशन लिखो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नोट करिए। देन वर्क डन इन 3rd second, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकंड, 3rd second वाला निकाल लीजिए ना, यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1। वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, एक्सेलरेशन है आपके पास, यू जीरो ले लो बेस्ट से, तो वहां से पहले डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, फिर एफ से वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वहां से आएगा। 41st question का बी है, 42nd का ए है, 43rd का सी, 44 का ए, 45 का सी, मतलब बी ए सी ए सी, बी ए सी ए सी, ये बाकी के आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए अब ना